हाय गाइस, वेलकम टू सर्कल ट्रेडर्स। सर्कल ट्रेडर्स के अंदर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल पे देखे हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा कि मार्केट में गिरावट का शुरुआत। क्या ये गिरावट का शुरुआत है या फिर ऐसे किसी जगह पे मार्केट का सपोर्ट है जिस सपोर्ट को लेके अगेन मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, विस्तार से डिस्कस करेंगे। टेक्निकल को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगेगा, टेक्निकल समझ में आएगा, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो को सब्सक्राइब करने का। वीडियो के अंत में हम जरूर बताएंगे कल के लिए कौन सी कॉल एंड कौन सी पुट में हम ध्यान रखेंगे और कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ पे होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। तो चलिए गाइस, सबसे पहला चीज़ हम क्या देखते हैं कि मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने का क्या वजह है, क्यों आया, और फिर देखेंगे आज का दिन कैसे ट्रेड हुआ, फिर कल का दिन कैसे ट्रेड होगा। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा, मैं ऐसे समझता हूँ। ओके, तो देखिए गाइस, कल का ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, बट ये रेजिस्टेंस पॉइंट क्या चीज़ का है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जाइए स्टडीज पे, मूविंग एवरेज लिखिए और यहाँ पे 10 डेज मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 डेज मूवी एवरेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिंपल मूवी एवरेज। अब देखिए सामने क्या है, 10 डेज मूवी एवरेज है, तो मार्केट को अगर पॉजिटिव जाना होगा तो मिनिमम 10 डेज मूवी एवरेज के ऊपर स्टेबल होना होगा। ठीक है, पहली बात। अब सेकंड चीज क्या है कि मार्केट के नीचे सपोर्ट कहाँ है, कि मैं बताऊंगा ऐसे जगह पे मार्केट का 50 डेज मूवी एवरेज है, तो ये जो जोन है ये जोन मार्केट को अभी रुका हुआ मिलेगा, रुकावट मिलेगा। जब इस जोन को ब्रेक कर गए यानी कि 300 के नीचे स्टेबल होगा आगे, तो मार्केट में और गिरावट आ सकता है। समझ में आ गया किस बेस में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ओके, अब आज का दिन क्या रहा है ये एक बार देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, मैं इसको 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। अब देखिए कब 5 मिनट के 10 डेज को ब्रेक डाउन हुआ था और कब ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, कल के सेशन पे हमने आपको ये लेवल दे चुका था और आज भी मैं प्रोवाइड किया था। अब मैं कल के सेशन में क्या बताया था, 19,367 एज का ऊपर अगर रहेगा तो आप कॉल साइड में रह सकते हो। देखिए पूरा दिन आज 19,367 इस लेवल के ऊपर चलता रहा मार्केट, है ना, इस लेवल के ऊपर चलता रहा, तो हमारा व्यू कॉल साइड में ही था, बाय ऑन डिप में कॉल साइड में था। बट मार्केट के अंदर एक डर ये भी था, देखो अब मार्केट कहां तक ऊपर गया है, तो यहां पे हमारा रेजिस्टेंस R1 लेवल 19,438 था और मार्केट का हाई क्या है, तो यहां पे देखिए क्लियर 40 तक पिन पॉइंट हाई बनाया है। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर बाय, उससे नीचे स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल, उसके नीचे सेल, उसके ऊपर स्टॉप लॉस। सेल मीन्स पुट पोजीशन, ओके, और बाय मीन्स कॉल पोजीशन जो आप लोग करते हो। ठीक है ना, तो ये था आज का दिन का पूरा सिनेरियो। बहुत परेशान करने वाला मार्केट था क्योंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी था और हमने कल का सेशन पे आपको गाइड भी कर चुका था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बैंक निफ्टी में मैं टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही क्लियरली आपको लिखा था, देखो ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसे सर्च करके मत लाना, ठीक है, फेक चैनल पर फंस जाओगे आप। इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक से लाइएगा। जिस चैनल पे हमारा वीडियो पोस्ट नहीं होता है वो चैनल हमारा नहीं है, जहाँ पे 17,300-400 सब्सक्राइबर है वो हमारा चैनल है। ठीक है, जहाँ पे हमारा वीडियो रोज पोस्ट होता है वो हमारा चैनल है, बाकी दूसरा सारे चैनल फेक है, हमारा नाम पे लोगों से पैसा लूट रहे हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो होल्डिंग स्टॉक सजेस्ट किया था वो आज के दिन पे 16% का मूवमेंट दिया है, 16%। चलिए गाइस, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, 19,300। ओके, 19 निफ्टी के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि 19,400 ये स्टैंडर्ड लेवल है। अगर 410 के ऊपर स्टेबल होगा, 410 के ऊपर स्टेबल होगा तो भी यहाँ से थोड़ी सी ऊपर, यानी कि देखो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ही नज़दीक नज़दीक आ चुका है, यानी कि नियर अबाउट 30 पॉइंट के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट है, यानी कि मार्केट में फिर से एक बड़ा मूव आने के लिए तैयार है। अब मैं तो बोलूँगा कल का दिन और परेशान करें हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन फिर एक्सपायरी के डे में मोमेंटम आए तो ह्यूज गया, पैसे छापेंगे आप। ठीक है, आ रहे समझ में। तो निफ्टी का चार्ट में जा रहा हूँ और निफ्टी का इस चार्ट में 19,410 के ऊपर यहाँ पे चलेगा तो फर्स्टली हमारा जो आज का रेजिस्टेंस है ये जगह रहेगा मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊँ, जिनको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता देख लीजिए, इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और मार्केट का जो सपोर्ट जोन है वो रहेगा आपका ये। ओके, ये आपको इस लेवल से ऊपर रहेगा तभी कॉल साइड जाना है, अदरवाइज हमें 70। ये देखिए इतना ही कल का ट्रेड निकाला है। ओके, इससे बीच में रहेगा तो बहुत अच्छा ट्रेड हमारे को नहीं मिलेगा। अगर इसे ब्रेक डाउन होगा, देखो ऐसे हो सकता है कि मार्केट शुरू से परेशान किया आपको
और दोपहर के बाद देखो कल वेनेसडे है, तो वेनेसडे को मार्केट का मोमेंटम रहता है ओवरऑल, ठीक है। बट ट्यूजडे को मार्केट परेशान करता है क्योंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी होता है। तो कल के लिए क्लियर जोन मैं बता दिया हूं कि किस जोन पे मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, किस जोन को ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देने से आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट ब्रेकडाउन देने का चांसेस शायद ज्यादा हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। बट कैसे लग रहा है देखो, हम तुक्का में बात नहीं करेंगे, हम ऑप्शन चेन से बात करते हैं। तो ऑप्शन चेन 19,400 क्या हो रहा है यहाँ पे, 3,11,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, जो डिलीवरी परसेंटेज सेलिंग कर रहे हैं लोग, वो 3,11,000 लॉट में सेल कर रहे होंगे, ओके। बट पुट साइड में ऐसे हेवी सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो मार्केट का सपोर्ट देने के लिए कुछ नहीं है एज पर ऑप्शन चेन। तो मार्केट में 19,400 ये रेजिस्टेंस जोन है अभी के लिए। जब तक ना इसके ऊपर ठीक ठाक स्टेबल हो रहा है, तो मैं बहुत अच्छा कॉल साइड में नहीं रह रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब मैं बैंक निफ्टी में चलूँ दोस्त। चलो बैंक निफ्टी का ये सिनारीज है। अब यहाँ पे एक नज़र मैं देखने का कोशिश करूंगा कि आपको कल के लिए बेटर बेटर जगह बैंक निफ्टी के लिए कौन सी बन सकता है। तो चलिए गाइस, बैंक निफ्टी का चार्ट है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये दिख रहा है कि 19,009 ये जो लेवल है, इस लेवल से नीचे फिर से अगर चलना शुरू होगा तो मार्केट में और गिरावट आने के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है। मार्केट में और गिरावट आने के लिए तैयार हो सकता है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा इस लेवल को। और उसके बाद जो बैंक निफ्टी का अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल जा रहा है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ध्यान से देखिए, ये जो ट्रेड लाइन है इस ट्रेड लाइन के ऊपर आएगा, यानी कि 44,100, 44,000 इसके ऊपर आने के बाद इस जोन, ये जोन मार्केट ट्रैप करेगा, ठीक है। तो हो सकता है कल का दिन भी हमें इस लेवल के अंदर मिलता हुआ दिखाई दे मार्केट, तो बड़ा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, सिंपल सी बात है, ओके। तो मार्केट में सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनेगा, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर कॉल बाई करना है। रेजिस्टेंस पे देखो, सिंपली रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो कंटिन्यू जो स्विंग हाई बनाता है वहां पे किसी भी एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, यहां से आप पुट ले सकते हो। मार्केट अगर कंटिन्यू लो बनता है, कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनता है उसका हाई ब्रेक होता है, तो वहां पे आप कॉल ले सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत क्लियर, इसी कैंडल का उल्टा साइड में आपको स्टॉप लॉस होगा। जितनी छोटी टाइम फ्रेम पे करेंगे उतनी आपको कम स्टॉप लॉस मिलेगा, बट छोटे टाइम फ्रेम पे आपको टारगेट भी कम लेना होगा, ओके। तो आई होप कि आपको ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी का लेवल एंड निफ्टी का लेवल तीनों में समझा पाया हूं। अब मैं यहां पे नेक्स्ट बात करूंगा कि रिलायंस का स्थिति क्या है, कि रिलायंस मार्केट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो रिलायंस का अगर चार्ट देखूंगा, तो रिलायंस का चार्ट में मुझे जो लग रहा है आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे रिलायंस 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। ये एक मार्केट में अभी तक अच्छी बात है कि 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। रिलायंस फिर से अगर तेजी दिखाएगा तो निफ्टी को रिलायंस ही सहारा मिलेगा, निफ्टी को रिलायंस का ही सहारा मिलेगा। तो आई होप कि आपको टेक्निकल, ऑप्शन चेन एंड मार्केट का पूरा डिटेल्स मैं समझाने का कोशिश किया और आपको समझ में भी आया होगा। तो गाइस, जिस दिन निफ्टी का ट्रेडिंग डे नहीं होता है, उस दिन आप स्टॉक में ट्रेड करो, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।